श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 91। शोकाकुल युधिष्ठर को सातवना देते हुए देव ऋषि नारद जी का उन्हें कर्ण का पूर्व चरित्र सुनाना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी, उनके सखा नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली माता भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास जी को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने समस्त सुहृदों को जलांजलि देने के पश्चात पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरत वंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्म शुद्धि के लिए एक मास तक नगर से बाहर गंगा तट पर टिकी रही। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठर के पास बहुत से सिद्ध महात्मा तथा ब्रह्म ऋषि पधारे। उनमें द्विपायन व्यास जी, नारद जी, देवल, देवस्थान, कणव तथा इन सब के शिष्य भी थे। इनके अतिरिक्त भी अनेकों वेद वेता, ब्राह्मण, गृहस्थ एवं स्नातक पधारे थे। राजा युधिष्ठर ने उन सब महर्षियों का विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे उनके दिए हुए बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए। समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि महर्षि गंगा जी के पावन तट पर शोक से व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठर को धैर्य बंधाने लगे। सबसे पहले नारद जी ने व्यास आदि मुनियों से वार्तालाप करके राजा युधिष्ठर के प्रति इस प्रकार कहा, हे राजन, आपने अपने बाहुबल तथा भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पूर्वक विजय पाई है। सौभाग्य की बात है कि आप इस भयंकर संग्राम से जीते जागते बच गए। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो है ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता? युधिष्ठर ने कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण जी के आश्रय, ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय तो पा ली, परंतु मेरे हृदय में प्रतिदिन यह एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुल का संहार करा लिया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवाकर अब यह विजय भी पराजय सी ही जान पड़ती है। द्रौपदी सदा हम लोगों का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है। इस बेचारी के पुत्र और भाई सब मारे गए। जब इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। हे नारद जी, यह सब दुख तो था ही, एक दूसरी बात और बता रहा हूँ। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुख में डाल दिया है। जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, संसार में जिनकी समानता करने वाला कोई भी महारथी नहीं था, जो बुद्धिमान, दाता, दयालु और व्रत का पालन करने वाले थे, जिनमें शौर्य का पूरा अभिमान था, जो फुर्ती से अस्त्र चलाने वाले तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था, उन विद्वान कर्ण को माता कुंती ने ही गुप्त रूप से जन्म दिया था। वे हम लोगों के भाई थे। जल दान करते समय कुंती ने यह रहस्य बताया कि वे भगवान सूर्य जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है, जब माता कुंती के गर्भ से सर्वगुण संपन्न
कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय माताजी ने उन्हें पेटी में रखकर गंगा जी की धारा में बहा दिया था। जिन्हें सारा संसार राधा का पुत्र समझता था, वे माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। मैंने अनजान में राज्य के लोभ से अपने भाई को ही मरवा डाला। यह स्मरण करके मेरे बदन में आग सी लग जाती है। हम पांचों में से कोई भी उन्हें अपने भाई के रूप में नहीं जानता था, किंतु वे हम लोगों को जानते थे। सुना है मेरी माता कुंती हम लोगों से संधि कराने के लिए उनके पास गई थी। उन्होंने बताया, हे बेटा, तुम राधा के नहीं मेरे पुत्र हो, किंतु कर्ण ने इनकी अभिलाषा नहीं पूरी की। वे संधि के लिए नहीं सहमत हुए। उन्होंने यही उत्तर दिया, माँ, मैं राजा दुर्योधन को छोड़ने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी बात मानकर युधिष्ठर से संधि कर लेता तो नीच, नृशंस और कृतघ्न समझा जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया, इसीलिए समर में श्री कृष्ण जी सहित अर्जुन को जीत लेने के पश्चात मैं धर्म नंदन युधिष्ठर से संधि करूंगा। यह सुनकर कुंती जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम अर्जुन से युद्ध करो, किंतु शेष चार भाइयों को अभय दान दे दो। इतना कहकर माता कांपने लगी। इनकी यह अवस्था देख बुद्धिमान कर्ण ने कहा, हे देवी, तुम्हारे चार पुत्र मेरे चुंगुल में फंस जाएंगे तो भी उन्हें जान से नहीं मारूंगा। यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेंगे, अर्जुन मरे तो मैं रहूंगा। इस प्रकार तुम्हारे पांच पुत्र तो हर हालत में जीवित रहेंगे। माता कुंती बोली, हे बेटा, अपने भाइयों का कल्याण करना, फिर ये घर चली आई। इस रहस्य को ना तो कुंती ने प्रकट किया ना कर्ण ने, इसीलिए भाई के हाथ से सहोदर भाई का वध हुआ। अर्जुन ने वीरवर कर्ण को मार डाला। इससे मेरे हृदय को बड़ी व्यथा हो रही है। कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं इंद्र को भी जीत सकता था। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रौपदी को कलेश दे रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थी, उस समय मुझे सहसा रोष चढ़ आता था, किंतु कर्ण के चरणों पर दृष्टि जाते ही शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे ही मालूम होते थे, किंतु बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था। हे भगवन, कर्ण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई? मेरे भाई को ऐसा शाप क्यों प्राप्त हुआ? यह मुझे बताइए, मैं आपसे ये सभी बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि कर्ण को जिस तरह शाप प्राप्त हुआ था वह सारी कथा कहने लगे। हे भारत, यह देवताओं की गुप्त बात है, किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक समय सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग से धारे। यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया। वही कर्ण हुआ। उसने आचार्य द्रोण जी से धनुर्वेद का अभ्यास किया। वह बचपन से ही भीमसेन का बल, अर्जुन की अस्त्र चलाने में फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल सहदेव की विनय तथा श्री कृष्ण जी के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था। आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वह चिंता से दग्ध होता रहता था। इसीलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली। धनंजय का
धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य जी से एकांत में कहा, हे गुरुदेव, मैं ब्रह्म अस्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता हूँ। कर्ण की अर्जुन के साथ जो लाग डांट थी उसे द्रोणाचार्य जी जानते थे, उसकी दुष्टता से भी वे अपरिचित नहीं थे। इसीलिए उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, हे कर्ण, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्म अस्त्र सीखने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनका सम्मान किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर वह सहसा वहां से चल दिया। जाते जाते महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और परशुराम जी के निकट जा भृगुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दे उसने गुरु बुद्धि से उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिष्य भाव से वह उनकी शरण में गया। परशुराम जी ने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा, हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहो। कर्ण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्म अस्त्र का अभ्यास करने लगा। उस समय वहाँ उसे गंधर्व राक्षस यक्ष तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था, इसीलिए उन सब के साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, वह आश्रम के पास ही समुद्र के किनारे किनारे टहल रहा था, अकेला था और हाथों में तलवार तथा धनुष लिए हुए था। उसी समय एक वेद पाठी की गऊ उधर आ निकली। मुनि अग्निहोत्र में लगे हुए थे, कर्ण ने अनजान में उसे कोई हृष जीव समझकर मार डाला। जब मालूम हुआ तो उसने अपने अज्ञानवश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्ण बोला, हे भगवन, मैंने अनजाने में आपकी यह गाय मार डाली है, इसीलिए आप मुझ पर कृपा करके यह अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण बिगड़ उठा और उसको डांटता हुआ बोला, हे दुराचारी, तू मार डालने योग्य है, ले इस पाप का फल भोग। अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी। उस समय जब तू घबराया होगा उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा। यह शाप सुनकर कर्ण ने बहुत सी गौएं, धन तथा रतन दे ब्राह्मण को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उसने फिर कहा, सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ, दीनता से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। फिर मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ वह परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उसका प्रेम, इंद्रिय संयम तथा सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसंहार सहित संपूर्ण ब्रह्म विद्या उसे विधि पूर्वक सिखा दी। तदनंतर एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी। कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था, इसीलिए वे उसी की गोद में सिर रखकर सो गए। इतने में लार, मज्जा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर कीड़ा जो बड़ा तीखा डंक मारता था कर्ण के पास आया और उसकी जांघ पर चढ़ गया। जांघ में घाव करके वह उसका रक्त पान करने लगा। इस प्रकार कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही, किंतु उसने
धैर्य पूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर दी। कर्ण के देह से निकले हुए रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले, अरे तू तो अशुद्ध हो गया, यह क्या कर रहा है भाई, छोड़कर ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी। ज्यों ही उन्होंने उस कीट की ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह एक अद्भुत घटना हुई। इतने में एक भयंकर राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, हे मुनिवर, आपने मुझे इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिला दिया, यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँ से आया था वहीं जा रहा हूँ। परशुराम जी ने पूछा, अरे तू कौन है और कैसे इस नरक में पड़ा था? उसने उत्तर दिया, हे तात, सत्य युग की बात है, मैं दंश नामक असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण किया। इससे क्रोध में आकर महर्षि ने यह शाप दिया, हे पापी, तू कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, इस शाप का अंत भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पड़ने से इस शाप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है। यह कहकर वह महान असुर परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। अब परशुराम जी ने क्रोध में भरकर करण से कहा, हे मूर्ख, तूने इस कीड़े के काटने की जो भयंकर पीड़ा बर्दाश्त की है, इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। सच सच बता, तू कौन है? उनका प्रश्न सुनकर करण शाप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ बोला, हे ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। लोग मुझे राधा का पुत्र करण कहते हैं। ब्रह्म अस्त्र के लोभ से मैंने झूठ परिचय दिया था, मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाला गुरु निस्संदेह पिता के ही समान है, इसीलिए मैंने आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बताया था। यह कहकर करण दीन भाव से हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गया और थर थर कांपने लगा। यह देख परशुराम जी ने हंसते हुए से कहा, हे मूर्ख, तूने ब्रह्म अस्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है, इसीलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी, उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्म अस्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। अब तू यहाँ से चला जा, मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है। परंतु मेरे आशीर्वाद से युद्ध में कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से बोला, मैं ब्रह्म अस्त्र सिखाया, सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। शांति पर्व अध्याय 92। युधिष्ठिर का घर छोड़कर वन में जाने का विचार और अर्जुन द्वारा इसका विरोध। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार कर्ण की जरासंध के साथ भी मुठभेड़ हुई थी। उसमें परास्त होकर जरासंध ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और उसे चंपा नगरी उपहार में दे दी।
पहले कर्ण केवल अंग देश का राजा था, किंतु इसके बाद वह दुर्योधन की अनुमति से चंपा अर्थात चंपारण में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इंद्र ने आपकी भलाई करने के लिए कर्ण से कवच और कुंडलों की भीख मांगी थी। वे कवच और कुंडल दिव्य थे तथा कर्ण के देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे, तो भी उसने इंद्र को ये दोनों वस्तुएं दान कर दी। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण जी के सामने उसे मारने में सफल हो सके। एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम जी ने शाप दे दिया था, दूसरे उसने स्वयं भी कुंती जी को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे चार पुत्रों को नहीं मारूंगा, इसके सिवा महारथियों की गणना करते समय भीष्म जी ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था। इसके बाद शल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया और भगवान कृष्ण जी ने नीति से काम लिया। इतनी बातें तो कर्ण के विपरीत हुई और अर्जुन को रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्य जी से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया है। फिर भी वह युद्ध में मारा गया है, इसीलिए शोक के योग्य नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर देव ऋषि नारद जी चुप हो गए और राजा युधिष्ठर शोक मगन हो चिंता में डूब गए। उनकी यह अवस्था देख कुंती शोक से विहल हो उठी और मधुर वाणी में अर्थ भरे वचन कहने लगी। हे बेटा, कर्ण के लिए शोक ना करो, चिंता छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैंने और भगवान सूर्य जी ने पहले कर्ण को यह जताने की कोशिश की थी कि युधिष्ठर आदि तुम्हारे भाई हैं। एक हितेशी सुहर्द को जो कुछ कहना चाहिए सूर्य देव जी ने वह सब कहा। उन्होंने उसे स्वपन में तथा मेरे सामने भी बहुत समझाया, परंतु हम लोग अपने प्रयत्न में सफल ना हो सके, वह मौत के वशीभूत होकर बदला लेने को तैयार था, इसीलिए मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी। माता की बात सुनकर धर्मराज के नेत्रों में आंसू भर आए। वे शोक से व्याकुल होकर कहने लगे, हे माँ, तुमने यह रहस्यमयी बात छिपा रखी थी, इसीलिए आज मुझे कष्ट भोगना पड़ता है। फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को शाप दे दिया, आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। इसके बाद वे मरे हुए पुत्र पोत्र संबंधी तथा सुहर्दों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, हे अर्जुन, यदि हम लोग वृषिणी वंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रियों के नगरों में जाकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंब को निर्वंश करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। क्षत्रिय के आचार और उसके बल, पौरुष तथा अमर्ष को भी धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्ति में पड़ गए। क्षमा, दम, शोच, वैराग्य, मात्सर्य का अभाव, अहिंसा और सत्य बोलना, ये वनवासियों के धर्म ही श्रेष्ठ हैं, किंतु हम लोग तो लोभ और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से दंभ और मान का आश्रय ले इस दुर्दशा में फंस गए हैं। इस समय तीनों लोकों का राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। हाय, हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध्य राजाओं की भी हत्या की और अब अपने बंधु बांधवों के बिना हम अर्थ भ्रष्ट की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओहो, जिन बांधवों का हमने वध किया है उन्हें तो सारी पृथ्वी सुवर्ण के ढेर और
बहुत से गाय घोड़े आदि की प्राप्ति होने पर भी हमें नहीं मारना चाहिए था, किंतु हमने उन्हें मार ही डाला। यह शोक हमें चैन नहीं लेने देता। हे धनंजय, सुना है मनुष्य का किया हुआ पाप शुभ कर्मों के आचरण से, दूसरों को कहकर सुनाने से, पश्चाताप से तथा दान तप त्याग तीर्थ यात्रा एवं श्रुति स्मृतियों का पाठ करने से भी नष्ट होता है। श्रुति ने कहा है कि त्यागी पुरुष को जन्म मरण की प्राप्ति नहीं होती, वह अमृत तप को प्राप्त होता है। इसके अनुसार योग मार्ग को प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस समय मनुष्य परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर मैं भी शीत उष्ण आदि द्वंद धर्मों से रहित हो मुनि वृत्ति से रहकर ज्ञान उपार्जन करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने सारा संग्रह, संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग आदि को त्याग देने का निश्चय किया है। अब मैं ममता और शोक से रहित हो सब प्रकार के बंधनों से छूट कर कहीं जंगल में चला जाऊंगा। मुझे राज्य अथवा भोगों से कोई मतलब नहीं है। यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गए तो अर्जुन बोले, हे महाराज, यह बड़े अफसोस की बात है और हद दर्जे की कायरता है जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देने के लिए उदित हुए हैं। यदि त्याग ही देना था तो आपने क्रोध में आकर इसी के लिए तमाम राजाओं की हत्या क्यों कराई? अपने समृद्धशाली राज्य का परित्याग करके जब हाथ में खप्पर लेकर आप घर घर भीख मांगते फिरेंगे, उस समय संसार क्या कहेगा? क्या कारण है कि सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़कर अशुभ एवं अकिंचन बनकर आप गवार मनुष्य की तरह भिक्षा मांगना पसंद करते हैं? इस उत्तम राजवंश में जन्म लेकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थ का परित्याग कर वन की ओर जा रहे हैं। यह मूर्खता नहीं तो क्या है, जब आप ही हवन एवं यज्ञ याग आदि कर्मों को त्याग देंगे तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने रखकर यज्ञों का उच्छेद कर डालेंगे। उस दशा में इसका सारा पाप आपको लगेगा। सर्व सब त्याग कर अकिंचन हो जाना, दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांग कर खाना, यह मुनियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राज धर्म का पालन तो धन से ही होता है। महाराज, धन से धर्म भी होता है, लौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और स्वर्ग का साधन भूत यज्ञ भी संपन्न होता है। यही नहीं, धन के बिना तो संसार की जीविका ही नहीं चल सकती। जिसके पास धन होता है उसी के बहुत से मित्र तथा बंधु बांधव होते हैं। वही मर्द समझा जाता है और वही पंडित माना जाता है। निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन हो जाती है, मगर धनवान का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले आते हैं, उसी प्रकार धन ही धन को खींच लाता है। धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, आनंद तथा शास्त्रों का अभ्यास, ये सब कुछ संभव है। धन से वंश की मर्यादा बढ़ती है और धन से धर्म की भी वृद्धि होती है। निर्धन को तो ना इस लोक में सुख है ना परलोक में, क्योंकि धन के बिना मनुष्य धार्मिक कृत्यों का विधिवत अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिसके पास धन की कमी है, गौओं और सेवकों का अभाव है, जिनके यहाँ अतिथियों का आना जाना नहीं होता, वही मनुष्य दुर्बल है। केवल शरीर की ही दुर्बलता से कोई दुर्बल नहीं कहा जाता।
राजा को हर तरह से धन का संग्रह करना चाहिए और उसके द्वारा यतन पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए। यही सनातन काल से वेदों की भी आज्ञा है। धन से ही मनुष्य यज्ञ करते और कराते हैं। पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी धन से ही संपन्न होता है। राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीत कर जो उनका धन ले आते हैं उसी से वे संपूर्ण शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। किसी भी राजा के पास हम ऐसा धन नहीं देखते जो दूसरों के यहाँ से ना आया हो। प्राचीन काल में जो राज ऋषि हो गए हैं और इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं उन्होंने भी राज धर्म की ऐसी ही व्याख्या की है। हे राजन, पहले यह पृथ्वी राजा दिलीप के अधिकार में थी, फिर क्रमशः इस पर नृग, नहुष, अम्बरीश और मंधाता का अधिपत्य हुआ, वही आज आपके अधीन हुई है। अतः उन्हीं राजाओं की भांति आपके लिए भी, जिसमें सब कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता है, ऐसे सर्व सब दक्षिण नामक द्रव्यमय यज्ञ करने का समय प्राप्त हुआ है, जिनका राजा दक्षिणा युक्त अश्वमेध यज्ञ करता है, वे सभी प्रजाएं उस यज्ञ के अंत में अभ्रत स्नान करके पवित्र होती हैं। अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यज्ञ कीजिए। क्षत्रियों के लिए यही सनातन मार्ग है, यही अभ्युदय का पथ है। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। शांति पर्व अध्याय 93। युधिष्ठिर का वनवासी मुनि एवं सन्यासी होने का विचार तथा भीम और अर्जुन द्वारा उसका विरोध। युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन का अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर ना चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा ही चलते आए हैं? नहीं, मुझसे यह ना होगा। मैं तो संसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूंगा। सवेरे तथा सायंकाल में स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूंगा और शरीर पर मृगशाला तथा बलकल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा। सर्दी गर्मी हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रोक्त विधि से तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर तत्त्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा अथवा मुनि वृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुंडा लूंगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांग कर देह को दुर्बल कर डालूंगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के ही नीचे निवास करूंगा। किसी के लिए ना शोक करूंगा, ना हर्ष निंदा तथा स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को धो बहा कर निर्द्वंद हो जाऊंगा। कभी किसी भी वस्तु का संग्रह ना करूंगा। आत्मा में ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा। दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों, गूंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चर और अचर रूप में जो चार प्रकार के जीव हैं, उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। सब प्राणियों पर मेरी समान बुद्धि होगी। ना तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा, ना किसी को देखकर बोहे टेढ़ी करूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखूंगा।
कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा, किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा, किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा ना रखूंगा, यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य ना होगा, ना आगे की उत्सुकता होगी, ना पीछे फिरकर देखूंगा, चित में कोई विकार नहीं रहेगा, अंतरात्मा पर दृष्टि रखूंगा और देह अभिमान से रहित हो जाऊंगा, भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन इसका विचार नहीं करूंगा, एक घर से भिक्षा ना मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा, वहां भी ना मिलने पर तीसरे घर से, इस प्रकार ना मिलने की दशा में सात घरों तक मांगूंगा, आठवें पर नहीं जाऊंगा, जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, अंगारे बुझ गए हो, सब लोग खा पी चुके हो, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भीख मंगे भिक्षा लेकर लौट गए हो, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा, सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा, ना जीवन से राग होगा ना मृत्यु से द्वेष, यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह वसूले से काटता हो और दूसरा दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाता हो तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा, ना एक का मंगल चाहूंगा ना दूसरे का अमंगल, केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने मीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा, संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरंत होकर मन के संकल्पों को अपने अधीन रखूंगा, बुद्धि के मल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहूंगा, इस प्रकार वितराग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी, इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है, इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता, इस अपार सा संसार का तो त्यागने में ही सुख है, आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा मैं अक्षय विकारी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः उपयुक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे राजन, जब आपने राजधर्म की निंदा करके आलस्य पूर्ण जीवन व्यतीत करने का ही निश्चय कर रखा था तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था, आपका यह विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता तो हम लोग ना हथियार उठाते ना किसी का वध करते, आप ही की तरह शरीर त्यागने का संकल्प लेकर हम भी भीख ही मांगते, ऐसा करने से राजाओं के साथ यह भयंकर संग्राम तो नहीं होता, बुद्धिमान पुरुषों ने क्षत्रियों का तो यह धर्म बताया है कि वे राज्य पर अधिकार जमावें और यदि उसमें कुछ लोग बांधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें, दुष्ट कौरव भी हमारे लिए राज्य प्राप्ति में बांधक थे, इसीलिए हमने उनका वध किया है, अब आप धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए, अन्यथा हम लोगों का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा, जैसे कोई मनुष्य मन में किसी तरह की आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल तय करे और वहां पहुंचने पर उसे निराश लौटना पड़े, यही दशा हम लोगों की भी होगी, आप जिस संन्यास की बात सोचते हैं उसका यह समय नहीं है, जिनकी विचार जो पुत्र पोत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवता ऋषि एवं
पितरों का तर्पण ना कर सके और अतिथियों को भोजन देने की शक्ति ना रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगलों में जाकर मौज से अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है। आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का यह काम नहीं है। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा, हे महाराज, इसी विषय में एक बार तपस्वियों के साथ इंद्र का संवाद हुआ था। वह प्राचीन इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, कुछ कुलीन ब्राह्मण बालक जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूछ तक नहीं आई थी, घर बार छोड़कर जंगल में चले आए, सन्यासी बन गए। इसी को धर्म मानकर वे प्रसन्न थे। भाई बंधु और माँ बाप की सेवा से मुंह मोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन उन पर इंद्रदेव की कृपा हुई। वे स्वर्णमयी पक्षी का रूप धारण करके उनके पास गए और उन्हें सुनाकर कहने लगे, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले महात्माओं ने जो कर्म किया है वह दूसरे मनुष्यों से होना कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों ने कहा, वह यह पक्षी यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वालों की प्रशंसा करता है। यह तो हम लोगों की ही प्रशंसा हुई, क्योंकि हम लोग ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं। पक्षी ने कहा, अरे मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, तुम तो झूठा खाने वाले और मूर्ख हो, पाप पक में फंसे हुए हो। यज्ञ शिष्ट अन्न खाने वाले तो दूसरे ही होते हैं। ऋषियों ने कहा, हे पक्षी, यह बड़ा कल्याणकारी साधन है, ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग का अवलंबन किए बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर तुम पर हमारी श्रद्धा हुई है, अतः जो अत्यंत कल्याण करने वाला साधन हो वही हमें बताओ। पक्षी ने कहा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो मैं यथार्थ बात बताता हूँ। सुनो, चौपायों में गऊ, धातुओं में सोना, शब्दों में प्रणव आदि मंत्र और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के लिए जात कर्म आदि संस्कार शास्त्र विहित है। ब्राह्मण जब तक जीवित रहे समय समय पर उसका संस्कार होता रहना चाहिए। मरने के पश्चात भी उसका शमशान भूमि में अंत्योष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वेद विधि के अनुसार होना उचित है। वेदुक्त यज्ञ याग आदि कर्म ही उसके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाले उत्तम मार्ग है। वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है। सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहाँ इन कर्मों का विधिवत संपादन होता है वह गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्म की निंदा करते हैं उन्हें कुमार्ग गामी समझना चाहिए। उन्हें बड़ा पाप लगता है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ ये ही तीन सनातन मार्ग हैं। जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेने वाले हैं। हवन के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को और श्राद्ध द्वारा पितरों को तृप्त करना यह सनातन धर्म है। इसका पालन करते हुए गुरुजनों की सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या को करके ही देवताओं ने बहुत बड़ी विभूति पाई है। जिनकी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के द्वंद्व से रहित हैं, ऐसे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। संसार में व्रत को ही तप कहते हैं, किंतु वह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है।
जो यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं वे ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले कहे गए हैं। अपने धर्म पर आरूढ़ होकर सुंदर व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे इस जगत के गुरु समझे जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे महाराज, वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थ युक्त बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुँचे कि हम लोग जिस स्थिति में हैं यह हित कर नहीं है। इसीलिए वे वनवास छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। अतः आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का आकंटक राज्य कीजिए। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। शांति पर्व अध्याय 94। युधिष्ठर को नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी का समझाना। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठर से कहा, हे राजन, विशाख यूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं। इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों में विश्वास करते हैं। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेद वेता विद्वान कहते हैं, यह गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। क्षत्रिय ब्राह्मणों की राय भी सुन लीजिए। जो धर्म पूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग करता है वह शुद्ध आत्मा मनुष्य ही त्यागी है। जिनका कोई घर बार नहीं, जो इधर उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, ऐसे त्यागियों को भिक्षु अर्थात सन्यासी कहते हैं। जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है वह त्यागी कहलाता है। एक समय महर्षियों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तोला। तीन आश्रम एक ओर थे और अकेला गृहस्थ आश्रम दूसरी ओर, किंतु वह विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तब से उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियों का मार्ग है, यही लोक वेताओं की गति है। जो ऐसी भावना रखता है वह भी त्यागी है। घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं होता। जंगल में जाकर भी जिसके हृदय में कामना जागृत होती है उसके गले में यमराज मौत का फंदा डाल देते हैं। शम, दम, धैर्य, सत्य, शोच, सरलता, यज्ञ धारणा तथा धर्म, इन सब का ही निरंतर पालन ऋषियों के लिए बताया गया है। पितरों, देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। केवल इसी आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता। वह पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता। कुछ ऋषि सदग्रंथों का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं और कुछ लोग मन में ही ध्यान रूप महान यज्ञ का विस्तार करते हैं। चित्त को एकाग्र करना रूप जो साधन मार्ग है उसका आश्रय लेने वाला द्विज ब्रह्म भूत हो जाता है। देवता भी उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। जिस पर कुटुंब का भार हो
उस राजा के लिए ग्रह त्याग का विधान नहीं देखने में आता। उसे तो राजसूय अश्वमेध सर्वमेध या और कोई शास्त्र या यज्ञ करके उसमें धन का दान करना चाहिए।